बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। यीशु मुझे बहुत प्यार, यीशु मुझे बहुत प्यार करते हैं। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। आपके साथ खुशी खुशी से रहेंगे, खुशी खुशी से रहेंगे इस दुनिया में जब तक रहेंगे, इस दुनिया में जब तक रहेंगे वो हमें रक्षा करेगा, वो हमें रक्षा करेगा। आंखों की पुतली के समान हमें रक्षा करेगा, आंखों की पुतली के समान हमें रक्षा करेगा। अंधेरी में खोद लिया, अंधेरी में खोद लिया है वो हमें हाथों के अंदर रख के रक्षा, हाथों के बारे में आज आप देखेंगे। यीशु मसीह आने वाले जो दुनिया में अभी हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे ये सब बाइबल में जितना वचन भविष्यवाणी वचन बोला है यीशु मसीह के आने के पहले क्या क्या होगा, सब कुछ अभी हो रहा है। मतलब यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आएगा, उनके साथ ले जाएगा। उस समय क्या होगा, उसके पहले हमको क्या करना, कैसे रहना, सब कुछ अच्छे आपको जानना जरूरी है। आगे जानना और अभी जानना है, जानते रहेंगे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को जानते हैं वही है अनंत जीवन। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, ठीक है। तो पहले हमारा अंदर तीन भाग, कितना भाग है बेटा, तीन भाग, स्पिरिट सोल बॉडी। बोलो स्पिरिट सोल बॉडी। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब हमारा आत्मा, क्या है आत्मा। सोल मतलब हमारा प्राण, हमारा मन, समझ आए ना। शरीर मतलब बॉडी, मतलब हमारा शरीर दिखता दिखता है ना। हमारे अंदर तीन भाग है, जो हमारा आत्मा है वो किसी को दिखाई नहीं होती, दिखाई होती है। अभी मेरे अंदर आत्मा है, मेरा आत्मा को आप देख नहीं पाओगे। हाँ, मेरे अंदर एक मन है, मेरा मन को आप कैसे जान पाओगे, देख तो नहीं पाओगे लेकिन जान पाओगे कैसे, जैसे मैं बात करती हूँ वैसे आपको थोड़ा बहुत जान लोगे। हाँ आंटी ऐसे ऐसे बोलती है, आंटी के अंदर ये सब है करके आप जान सकते है ना। मेरा शरीर है आप देख सकते है ना। हाँ, ये शरीर में मेरा आत्मा है, इसका मतलब मैं माला हूँ, मेरे अंदर वो आत्मा, मेरे आत्मा अंदर है इस शरीर के अंदर, इसलिए आप देखते हैं। मेरे शरीर को आप देख सकते हैं लेकिन आप मेरा आत्मा और मन को आप देख नहीं सकते, समझ आया। तो हमारे अंदर तीन भाग है, जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए 2000 वर्ष के पहले इस दुनिया में आया, मानव जाति के लिए आपके इंसान के रूप में जन्म हुआ, वो मेरे पापों को उठा लिया, मेरे श्राप, मेरा पाप, मेरा बीमारी, मेरा दुख, मेरा अपमान, मेरा निंदा, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पे मरा ना, मर के फिर गाड़ा गया और तीसरा दिन जी गया। आज मेरे अंदर है वो मेरे लिए मरा करके आप लोग विश्वास करते हो। जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह मेरा पाप को क्षमा कीजिए, आपका लहू से मुझे धो लीजिए करके, जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर इस बातों पर, इस सुसमाचार पर विश्वास करता है वो व्यक्ति उद्धार पाता है। उद्धार मतलब क्या बेटा, छुटकारा पाता है। क्या है, पापों से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, शैतान की बंधन से छुटकारा, निंदा से छुटकारा, अपमान से छुटकारा, जो कुछ हमारे जीवन में हम दुख के दुख सहते हैं, हम जिस दिन हम यीशु मसीह को विश्वास करके इस बात पे विश्वास करते हैं, उस दिन हमारा अंदर जो आत्मा है ना वो छुटकारा हो जाता है, समझ आया। आत्मा में छुटकारा जब हम नया जन्म पाते हैं, समझ आया, जो हमारा आत्मा है वो छुटकारा हो गया पहले से, है ना। विश्वास है आप लोगों को, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, नया जन्म पा लिया। अभी हमारा अंदर जो आत्मा है वो यीशु जैसा ही, कैसा है, यीशु जैसा, यीशु जैसा ही,
इसे आज यीशु है वैसे मैं इस जगत में, जैसे आज यीशु है वैसे मैं इस जगत में, मसीह का प्रेम मुझ में है, उसकी आत्मा मुझ में है, मसीह का प्रेम मुझ में है, उसकी आत्मा मुझ में है, जैसे आज यीशु है वैसे मैं इस जगत में, जैसे आज यीशु है वैसे इस जगत में मैं हूँ, कैसे मेरा अंदर जो आत्मा है वो यीशु जैसे ही है। समझ आया? अभी क्या बाकी है? मन बाकी है, शरीर बाकी है। आत्मा क्या हो गया? यीशु जैसे ही बन गए, बन गया ना। अभी आपके अंदर यीशु है। हमारा मन, मन यीशु जैसे ही नहीं बन, लेकिन हर दिन बनते जाता है, हर दिन। जैसे जिस समय हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में आते हैं, अभी भी आप लोग सने के रास्ते वचन सुनते हैं, जब आपका मन क्या होता है बेटा? धीरे धीरे बदलते जाता है। क्या होता है? करके बदलते जाता है। कैसे? तो वचन के अनुसार, वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, मन में जाता है, मन वचन को पढ़ते हैं, कान के द्वारा जाता है, मन में जाता है, मन वचन पढ़ते हैं, कान में जाता है, मन में जाता है, मन। समझ रहे? एक दिन का नहीं है, बस मैं पढ़ लिया पूरा, मेरे को सब आता में बदल गया, ऐसा नहीं। जब तक इस दुनिया में हम जिंदा रहेंगे, तब तक हमारे अंदर सांस है, तब तक ये चलते रहेंगे, चलते रहेगा। समझ आया? जैसे एक बीज है, वो बीज को मिट्टी पे डालते हैं, तो क्या होता है? बीज से पौधा आती है, पौधा आती है ना, तो बीज अंदर जाके क्या होता है ना? मरता, मर जाता है ना बीज, पहले ऐसे मरता फिर टूटता, फिर अंदर से पौधा। तो पौधा क्या होता है? आप लोग तो स्कूल में जाते हो, पढ़ते हैं, पौधा के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करके एक प्रोसेस होती है ना, स्टार्च। जो पौधा क्या होता है? खाना बनाता है ना, जो सूरज की रोशनी और पानी, जो क्लोरोफिल जो पत्ते के ऊपर है ना, ग्रीन कलर वो, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों को रख के क्या करता है? खाना बनाता है ना। आप किताब में पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस करके बताते हैं, पढ़े हर एक पौधा में प्रोसेस होती है, जो होते रहता है, जब होता है नया पत्ता, जब होता है बढ़ता बढ़ता बढ़ता, समझ आया? प्रोसेस होते रहता, वैसे हमारा जीवन में भी ये प्रोसेस होते रहता। और बार वचन पढ़ते हैं, गाना सुनते हैं, उसके बाद हमारा मन बदलते तेजस्वी रूप में मन चल चल के आत्मा के द्वारा बदलना है, तेजस्वी रूप में मन चल चल के आत्मा के द्वारा बदलना है, बदलना है हमें, बदलना है तेजस्वी रूप में, विश्वास किया यीशु मसीह के लहू मुझे शुद्ध करता है, मेरे पापों से मुझे क्षमा करता है करके हम विश्वास किया। यीशु मसीह तीसरा दिन जीवते करके हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र है, हम विश्वास करते हैं। उस दिन आत्मा में नया जना पा लिया। समझ आया? उसके बाद हमारा मन, हमारा प्राण कैसे बदलता है? धीरे धीरे वचन सुनते, वचन को मन में लाके और मन
बदलते रहता है, ऐसा ही अक्ष 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 करके बदलता है। देखो बेटा ये सब आपको जानना जरूरी है, यीशु मसीह का आगमन निकट है, आपका स्पिरिट सोल बॉडी के बारे में आपको जानना है। जैसे क्या है, शरीर प्राण आत्मा, समझ आया? अभी आत्मा के बारे में मैंने बोला वो यीशु जैसे बनते हैं, लेकिन मन नहीं बनता। क्या करता है मन? बदलते जाता है, लेकिन हमारा शरीर बदला ही नहीं, जैसे कि वैसे ही मन बदलता है। वो कोई देख नहीं सकते हैं, लेकिन जान सकते हैं वचन के द्वारा। ये चलता है वचन के द्वारा, ये बात करता है वचन, जो बोलता है यीशु मसीह उसके द्वारा ये चलता है करके हम थोड़ा उनको जान सकते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो यीशु जैसे ही है, वो दूसरे को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कोई जान, वो कोई देख नहीं सकते हैं। वो हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारा मन धीरे धीरे बदलता है, हर दिन बदलता है, लेकिन हमारा शरीर अभी नहीं बदलता, अभी नहीं बदलेगा। जितना साल हम इस दुनिया में जिएंगे और मर भी जाते हैं, जो हम हमसे पहले जो यीशु मसीह के बच्चे लोग रहते थे ना, है तो उन लोग मर गए थे ना, तो उन लोग का शरीर अभी कुछ भी बदला नहीं है। उनका आत्मा तो यीशु जैसे बन गया, उनका मन जितना बदला आपको नहीं पता, वचन के द्वारा बदला होगा, कोई कोई लोग को बदला ही नहीं होगा। इसलिए बदलना जरूरी है, हमारा मन बदलना है, तभी हम यीशु के और यीशु मसीह के पास निकट जा सकते हैं। समझ आया? हमारा शब्द, लेकिन वो लोग जो मरे ना, यीशु मसीह में मरे ना, पहले मरे ना, अब्राहम मरा, दाऊद मरा नहीं, मरा पौलुस मरा, पतरस मरा, मत्ती मार्क लूका सब लोग मरे ना, वो लोग का शरीर वैसे कि वैसे ही, वो लोग का शरीर नहीं बदला। हम जितने लोग हम जिंदा रहते हैं, हमारा भी अंदर आत्मा तो बदल गया, यीशु जैसे बदल गया, पवित्र आत्मा आपके उसको सील रखते हैं, कोई उसको छू नहीं पाएगा। जो हमारे अंदर आत्मा है कोई छू नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको सील रखता है। जो हमारा मन है वचन के द्वारा चारों ओर बाड़ा बांधना है, वचन से बाड़ा बांध दे तो मन में शैतान घुसने के लिए मौका मिल जाएगा। समझ आया? हाँ, वचन के द्वारा बाड़ा बांधना, जो वचन के द्वारा बाड़ा मन को बांधते हैं तो हमारा चारों ओर भी पवित्र आत्मा के आपको रक्षा करते हैं। लेकिन इस शरीर बदलना कब बदलेगा? यीशु मसीह के आगमन में बदलेगा। कब बदलेगा? बदलेगा, तो उसी के बारे में ही आज ले जा रहे हैं। ये दो जगह पर लिखा है, एक तो एक कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है, एक थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में लिखा है। ये दोनों को आज हम देखेंगे। पौलुस कहता है सबके लिए परमेश्वर एक एक शरीर दिया है, सबके लिए अलग अलग शरीर दिया ना। देखो मेथी है, मेथी के लिए अलग शरीर दिया, जीरा है, जीरा के लिए अलग शरीर, काली मिर्च के लिए अलग शरीर दिया नहीं दिया, काली मिर्च गोल है, जीरा लंबा है, मेथी थोड़ा चौरस है ना, चौरस नहीं स्क्वायर, नहीं तो रेक्टेंगुलर शेप में भी है, कुछ कुछ बड़ा है, कुछ कुछ छोटा है। साइज देखो, जीरा लंबा, काली मिर्च गोल है, मेथी थोड़ा, ये चावल थोड़ा पतला लंबा, गेहूं कुछ मोटा है कुछ पतला है। जैसे बीज है, वो बीज से जो आता है उनके लिए शरीर अलग, वैसे ही हमारा ये शरीर नहीं है, ये शरीर नॉर्मल है। आदम को कैसे परमेश्वर ने बनाया? मिट्टी से, मिट्टी से बनाया ना, पता है ना आपको? यस आंटी। हां, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, उसमें फूंका अपना सांस फूंका तो जिंदा हो गया। तो वैसे ही आदम के द्वारा पाप आ गए, आदम के द्वारा ही हम भी इधर रहते। जो पहला इंसान, पहला आदम मिट्टी से आया, वैसे हम भी ये शरीर मिट्टी का शरीर है। लेकिन दूसरा आदम हमारा यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग से आया ना, मरियम की पेट में, कुमारी की पेट में आके जन्म हुआ, यीशु मसीह स्वर्ग से आया। समझ आया? अभी हमारा शरीर है, पहला आदम का जो मिट्टी से आया वो शरीर,
अभी इस शरीर जो दूसरा आदम में यीशु मसीह आया ना उनकी जैसे ही ये शरीर महिमामय शरीर में बदलेगा। यीशु मसीह मरा था ना तीसरा दिन जी उठा ना, तब यीशु मसीह का शरीर कैसे था बेटा? महिमामय शरीर था यीशु मसीह का शरीर। क्यों? दरवाजा बंद रहेगा, कभी भी यीशु मसीह अंदर आ सकते हैं ना, कहीं भी जा सकते हैं, दीवार के अंदर भी चले जाए। इसको कहते हैं महिमामय शरीर। यीशु मसीह को ही पहला मिला, वही पहलौटा है, समझ आया? मरे हुए में से जिंदा होके महिमामय शरीर पाया कौन है? हमारा यीशु मसीह। कब्र खाली हुआ ना, महिमामय शरीर मिल गया। अभी हमारे यीशु मसीह को जैसे महिमामय शरीर मिला, वैसे हमको भी जो मसीह में मरे थे, जो आप जिंदा है, हम सबको भी मिलने वाला है। कब मिलने वाला है बेटा? यीशु मसीह के आगमन पे। यीशु मसीह आने वाले थे, उस समय हमारा शरीर भी रूपांतर होगा। तो समझ आया आपको? होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है, आपको जानना है। जैसे मैंने बोला अलग अलग शरीर है ना, आसमान के लिए अलग शरीर अलग है, पृथ्वी के लिए अलग है, उसका महिमा अलग है, पृथ्वी का महिमा अलग है। एक एक स्टार्स होते हैं ना तारा, एक तारा दूसरे तारे से फर्क होती है, स्पेशल होती है, समझ आया? सूरज का अलग है, चंद्रमा का अलग है ना, सबको अलग अलग परमेश्वर ने बनाया। वैसे ही हमको भी परमेश्वर महिमामय शरीर, जैसे यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठ के महिमामय शरीर पाया, उस शरीर हमको मिलने वाले है। कब मिलेगा? यीशु मसीह के पुनरागमन में मिलेगा। देखो इसने लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हो। पौलुस कहता है इस विषय में तो सोते हो, जानते नहीं हो, हम नहीं जानते हैं, तुम लोग जान लो। हाँ, समझ आया? अभी आप लोग भी जानना है बेटा, जान लो। हाँ, अज्ञानी रहो, मतलब इस विषय में तुम अज्ञानी नहीं रहना, जानना करके इधर पौलुस लिखता है, ऐसे ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। जिसको आशा नहीं है वैसे लोगों के समान तुम शोक में नहीं रहना, जान लो तुम ऐसा ही नहीं रहना करके इधर पौलुस सिखाता है। क्या सिखाता है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, विश्वास करते हो यीशु मरा जी भी उठा, विश्वास करते हो, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। समझ आया? जो यीशु मसीह के अंदर सो गए, जो मसीह के अंदर जीवन बिताकर यीशु के अपने रक्षक अपना पिता मानकर उसमें वो लोग जीवन बिताए और मर भी गए है, उनको लेकर हमारा यीशु मसीह आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। याद रखना, जो हम लोग जिंदा है यीशु मसीह आने समय पे हम लोग बचे रहते हैं। जो हमको पहले मर गए ना, जो पौलुस पत्रस अब्राहम सब लोग मर गए ना, उन लोगों के पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। याद रखना, वो लोग हमसे पहले विश्वास की दौड़ को पूरी किया। मसीह में वो लोग मर गए, सो रहे हैं, मतलब मर गए नहीं बोल रहे, मसीह में वो लोग सो गए। समझ आया? मर गए ऐसा नहीं बोलते हैं, बाइबल में बोलते वो लोग सो गए। जब वो लोग मर गए, उनकी शरीर क्या होता है, पृथ्वी पे मिट्टी के अंदर रखा गया, जैसे एक बीज के साथ। बीज को क्या करते हैं बेटा? मिट्टी खोदते हैं, बीज रख, फिर मिट्टी को बंद कर, फिर उसमें से पौधा आता है ना। वैसे ही शरीर जो मसीह में मर गए है उनको इसमें रखा गया है, लेकिन वो लोगों को पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जो जिंदा है हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, क्यों? प्रभु के वचन के अनुसार, याद रखना, तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। समझ आया? यीशु मसीह मध्य आगा
मध्य आकाश आकाश में आते हैं ना, जो प्रति आकाश में यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, वो उतरेगा, उस समय ललकार यीशु मसीह का आवाज आएगा, ललकार आएगा और प्रधान दूत का स्वर्ग दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो तुरही भी फूकी जाएगी, तब जो मसीह में मरे गए वो पहले जी उठेंगे। समझ आया? कब जी उठेंगे? कब जी उठेंगे? यीशु मसीह बादलों पे आएगा, उतरेगा, तब क्या होगा? उस समय ललकार होगा, यीशु मसीह का आवाज होगा और दूतों का शब्द सुनाई देगा और यीशु मसीह परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। इस सब आवाज को कौन सुनेगा? पहले जो मसीह में मरे है ना, उनको सुनाई होगा, मुर्दों में से वो लोग जी उठेंगे। समझ आया? समझ आया? तो उन लोगों को भी लेके इसने लिखा वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित है जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। तो यीशु मसीह बादलों पे उन लोगों के साथ आएंगे, जो अब जिंदा है हम भी यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? प्रभु से मिलेंगे। उस समय क्या होगा? अब तुरंत एक मिनट में पलक मारते हुए ये शरीर रूपांतर हो जाएगा, महिमामय शरीर में बदल जाएगा। कब बदलेगा? वे बोली यीशु मसीह के आगमन में, रहस्य आगमन एक होगी, उस समय तुरही फूकेगा, सबको सुनाई नहीं देगा, जो यीशु मसीह में है उनको सुनाई देगा, पहले जो यीशु मसीह में मरे हैं उनको सुनाई देगा, वो पहले जी उठेंगे, उन लोगों को लेकर यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, जो बचे रहते हैं जो जिंदा है हम पलक मारते हो हमारा शरीर रूपांतर हो जाएगा, यीशु मसीह को मिलने चले जाएंगे। इसमें पॉलस लिखते हैं इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस बातों पर एक दूसरे को शांति देना है, आशा देना है। बजाया? बहुत जरूरी बात है। अभी जो जो दुनिया में हो रहा है ये सब यीशु मसीह का आगमन निकट है, आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी यीशु मसीह आ जाएगा। बोले ना तो शीघ्र आने वाला है ना, लिखे नहीं लिखे प्रकाशित वाक्य लास्ट चैप्टर में देखोगे तो यही यीशु मसीह बोले शीघ्र आने वाला बाद होकर यीशु मसीह के साथ मिलने जाएंगे। जाएंगे ना? तैयार रहना हमेशा, अब प्रार्थना में लगे रहना। समझ आया? सोते तो भी हमारा मन हमारा आत्मा क्या करना? परमेश्वर से बातें करते रहना, सोते समय में भी हमको प्रार्थना में रहना, यीशु मसीह के नाम को बोलते रहना, जो वचन है उसको बोलते रहना, जो प्रार्थना है हमारे अंदर से आती है प्रार्थना का करते रहना। समझ आया बेटा? यीशु मसीह के आगमन को जानना है, जो हमारे अंदर स्पिरिट सोल बॉडी शरीर प्राण आत्मा, शरीर पहले से जो यीशु मसीह को विश्वास किए उस समय वो यीशु जैसे ही बन गया, पवित्र आत्मा की सील उनके ऊपर रखा गया है। किसके ऊपर? हमारा आत्मा, जो हमारा मन है हर दिन वचन को सुनते 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 उसमें जो जो प्रकाशन मिलती है, जो उजाला मिलता है उसमें हम चलते रहेंगे, हम रूपांतर होके जाते रहेंगे, ऑन स्विच करके हमारा मन बदलते रहता है। लेकिन हमारा शरीर कब होगा बेटा? यीशु मसीह के आगमन में ही होगा, तब तक ये शरीर में ही होगा, इस नाशवान शरीर अविनाश को पहन लेगा। समझ आया? नाशवान अविनाशी को पहन लेगा। बोलो, हमको जय देने वाला परमेश्वर के लिए धन्यवाद। हमको जय देने वाला परमेश्वर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद है ना, हमेशा जय में हमको लेके जाएगा, जय के उत्सव में हमें लिए सकता है। समझ आया? यस सारी। हम एक गाना गाएंगे। यस सारी। गाओ। यस गाओ। का चाहिएगा आई जाओ जो के साथ यीशु राजा जीवन में आसरी बदल जाए।
छुटकारे के लिए यीशु मसीह आ जाएंगे। एक दूसरे को ये तो बोलना है, अपने आप को भी बोलना है, मेरे मन बाबा को धन्यवाद, जो कुछ तुम्हारे जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद हो, बोलेंगे ना। दूसरे को भी बोलना, ए भाई ए बहन दस में न रहना, यीशु आ जाएगा तो लेके जाएंगे। इस आशा में, इस आशा हमारे लिए एक महिमामय आशा है, पता है यीशु से हमारे अंदर है ना, ये भी महिमा का आशा है। कहाँ है यीशु? मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पिता परमेश्वर मेरे अंदर है। ये परमेश्वर हमारे अंदर है, वो हम आज हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया है ना, बस कहता है ना तुम परमेश्वर की मंदिर हो, समझ आया? यस सर। आओ चलो प्रार्थना करेंगे। यस आंटी। हालेलुया, परमेश्वर पिता धन्यवाद करो इस दिवस समय के लिए, इस पवित्र वचन के लिए, प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमसे प्रभु बातें की, सारे बच्चों के जीवन में प्रभु इस बहुमूल्य बीज को प्रभु बोने के लिए मुझे प्रभु मदद किया, अनुग्रह किया प्रभु, इस समय को प्रभु आप आशीष करके दिया, इस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता, सारे बच्चों को प्रभु यहाँ लेके आए आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, इस वचन को प्रभु सिखाने के लिए मुझे भी प्रभु और जानने के लिए पवित्र आत्मा मदद किया धन्यवाद, इस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता, सारे बच्चों के अंदर प्रभु और भी इस वचन प्रभु अलग गहराई में जाकर और भी प्रभु फल लाने के लिए पिता मैं आपसे प्रभु विनती प्रभु करती पिता, हालेलुया सौ गुना फल इन बच्चों के जीवन में प्रभु लेके आएगा, मैं प्रभु विश्वास प्रभु करती हूँ, हालेलुया आपके आगमन के बारे में प्रभु और भी जानने के लिए उस समय तक प्रभु ये लोग प्रभु आपके लिए बने रहने के लिए मदद कीजिए, आपका बलवन हाथों के ऊपर प्रभु, हालेलुया आपका आपका बलवन हाथों के अंदर प्रभु सारे बच्चों का समर्पण करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।